हरतालिका तीज का पर्व एक बार फिर आ रहा है और इस बार यह पर्व विशेष रूप से खास बन रहा है। सुख समृद्धि और पति की लंबी उम्र की कामना के लिए हरतालिका तीज का व्रत हर साल भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। इस वर्ष हरतालिका तीज पर विशेष रूप से दो अद्भुत योग बन रहे हैं जो इस व्रत को और भी फलदायी बना देंगे। पंडित संजय उपाध्याय के अनुसार वैदिक पंचांग के अनुसार भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि की शुरुआत 5 सितंबर को दोपहर 12:21 बजे से होगी। वहीं इस तिथि का समापन 6 सितंबर को दोपहर 3:21 बजे होगा। इस प्रकार हरतालिका तीज का व्रत 6 सितंबर को मनाया जाएगा। इस बार हरतालिका तीज पर ब्रह्मा योग और रवि योग का विशेष संयोग बन रहा है। यह संयोग व्रत का फल दोगुना बढ़ा देगा। तीज माँ पार्वती को समर्पित है। ये भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को यह मनाया जाता है। इसमें जो है बालुका की मिट्टी की शिव प्रतिमा बनाई जाती है। उसमें पार्वती और गणेश जी की प्रतिमा रहती है। इस दिन पूजा लोग करते हैं, महिलाएं जो है निराजल व्रत रह करके इनका पूजन करती हैं। ब्रह्मा योग 6 सितंबर को हरतालिका तीज के दिन रात 10:12 बजे तक रहेगा। इस समय में व्रत के साथ भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा से सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी और उनका आशीर्वाद हमेशा बना रहेगा। इस अवसर पर पूजा करने से मिलेगा अकट सुख और समृद्धि। पूजा विधि के बारे में पंडित संजय उपाध्याय ने बताया कि व्रती महिलाओं को इस दिन ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर स्नान करना चाहिए। स्नान के बाद मिट्टी और बालू से बने शिव परिवार की पूजा करें। सफेद फूलों की माला शिव पार्वती को अर्पित करें। इसके साथ ही सुहाग का सामान और लाल साड़ी माता पार्वती को चढ़ाएं। फल और मिष्ठान अर्पण करें और दीप धूप से पूजा करें। पूजा के बाद पति का आशीर्वाद लें और भूलकर भी किसी तरह की नकारात्मक बातें न करें। इस दिन पति को भला बुरा बोलने से बचें ताकि आपके सौभाग्य पर कोई असर न पड़े। हरतालिका तीज या माँ पार्वती को समर्पित है क्योंकि माँ पार्वती ने हरतालिका तीज का व्रत पूजन करके ही भगवान शिव को पति रूप में वरण किया था, प्राप्त किया था। हरतालिका तीज का यह पर्व आपके जीवन को खुशियों और समृद्धि से भर दे। बस सही विधि और सही समय पर पूजा का ध्यान रखें। लोकल 18 के लिए वाराणसी से अभिषेक जायसवाल की रिपोर्ट।